नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का। मैं हूं मनोज मिश्रा। आज एक ऐसे विषय पर जानकारी देंगे, इसके प्रयोग से झमाझम पैसे की बारिश होगी। आपके एकांत कमरे में इतना पैसा बरसेगा, 1,000, 2,000, 4,000, 5,000, 20,000, 25,000, 1,00,000, 1,00,000 रुपए तक बरस सकता है। ऐसी बरसात होगी झमाझम, आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन यकीनन इतना पैसा बरस सकता है। जो लोग तंत्र क्षेत्र में जुड़े होंगे वो इस विषय को जानते होंगे कि दो कारीगर मिलते हैं, अगर एक मिठाई मंगा दे, मिठाई आते हुए दिखनी चाहिए, तो उस पर दूसरा कारीगर पैसे की बरसात करता है। अगर कोई नींबू उठा दे तब भी उस पर भी कारीगर पैसे की बरसात करते हैं, झमाझम पैसा बरसता है, करोड़ों अरबों रुपये बरसते हैं। कढ़ाई भी बांधने पर पैसे की बरसात होती है, परंतु इसमें दो कारीगर लगते हैं और दोनों को आपस में बैठा कर काम करना बड़ा मुश्किल होता है। एक मिल जाता है तो दूसरा नहीं मिलता, दूसरा मिल जाता है तो तीसरा नहीं मिलता है। इस प्रकार आपका समय और पैसा दोनों नष्ट होता है। इस विषय पर आपको जाने की कोई आवश्यकता नहीं, मिठाई और कढ़ाई पर आप सीधे मंत्र सिद्ध करेंगे, अर्थात फ्लेक्सी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल मंत्र सिद्ध करेंगे और मंत्र को एकांत कमरे में प्रयोग करके अरबों खरबों बरसा सकते हैं। तो आपको क्या करना होगा, कैसे मंत्र की सिद्धि मिलेगी, पूरी जानकारी सुने आप। सर्वप्रथम आपको मंत्र सिद्ध करने के लिए काले वस्त्र, काले आसन और स्फटिक की माला या काले हकीक की माला की आवश्यकता पड़ेगी। काले वस्त्र, काले आसन, स्फटिक की या काले हकीक की माला की आवश्यकता पड़ेगी। इस सांप्रदना सामग्री एकत्रित कर लें, तिल का तेल और एकांत कमरे में 41 दिन जो मैं मंत्र बता रहा हूँ इस मंत्र का आप जप करेंगे, क्योंकि यह एक धनवर्षा योगिनी का मंत्र है। तो मन सुने, ओम ऐं ह्रीं क्लीं धनवर्षा योगिनी मम प्रचुर धन देहि स्वाहा, इस प्रकार मंत्र है। इस मंत्र की पूर्ण जानकारी के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस मंत्र की सिद्धि आपको 41 दिन में मिलेगी। रात्रि पूर्व दिशा की तरफ मुख करके दीपक जलाकर एक यंत्र बनाइए, 15वीं यंत्र जिसे श्री यंत्र भी कहते हैं, श्री यंत्र बना लीजिए। भोज पात्र पर अष्टगंध गोरोचन से मिश्रित करके अनार की कलम से श्री यंत्र बनाकर उसी के ऊपर तिल का दीपक जलाएं और प्रतिदिन 101 माला 41 दिन तक करेंगे। याद रहे, जब तक इस साधना को करेंगे तब तक ब्रह्मचर्य से रहेंगे और एक टाइम भोजन करेंगे, एक टाइम फलाहार करेंगे, उसी एकांत कमरे में सोएंगे। 41 दिन के बाद आपको यह मंत्र सिद्ध हो जाता है, इस मंत्र की पूर्ण सिद्धि आपके पास आ जाती है। अब आपको मंत्र सिद्धि के बाद प्रयोग कैसे करना है, मंत्र सिद्ध हो गया, मंत्र से पैसे की बरसात कैसे करेंगे, इस विषय को जान लीजिए। एकांत कमरे पर जो श्री यंत्र है उसको लेमिनेशन करा लीजिए, उसी के ऊपर दीपक जलाएँ और केवल केवल 11 माला जप करेंगे। 10 माला के बाद झम 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 पैसे की बरसात एकांत कमरे में होने लगी और इतना पैसा बरसेगा कि जब तक आपका कमरा भर नहीं जाएगा तक पैसा बरसेगा, अर्थात 1,00,000 करोड़ की कैपेसिटी है। ऐसा मानना है तांत्रिकों का कि आपके 300 या 400 किलोमीटर तक जितना पैसा होगा सब आपके पास आ जाएगा। और तो ध्यान रहे, यह पैसा केवल केवल 15 दिनों तक आपके पास रहेगा। 15 दिन के बाद ये पैसा पुनः वापस जहाँ से आया था वहीं चला जाएगा। 15 दिनों तक जितना चाहे उतना पैसों का प्रयोग अपने लिए कर सकते हैं। अगर इस पैसे का प्रयोग गलत कार्यों में खर्च करोगे तो व्यर्थ की हानि आपको उठानी पड़ सकती है। गुरु के मार्गदर्शन में ही साधना को सिद्ध करें। यह विशेष लाभदायक साधना है, आज मैंने इस साधना के विषय में आपको बता दिया।